ये देखिए सभी बाटियाँ लगभग बनकर तैयार हैं और अब इन्हें घी में डुबोया जाएगा और उसके बाद बाटी, भरता और चूरमा के लड्डू के साथ सर्व किया जाएगा और सभी को खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। खासकर मेरे बेटे को दाल बाटी बहुत पसंद है और वह आया हुआ है तो मैं उसके लिए ही यह बाटियाँ बना रही हूँ और बेटी को भी बहुत पसंद है बाटी। और जो भी मेरे हाथ की बाटी खाता है वो कहता है कि बहुत अच्छी बनी है। दोस्तों आप सभी को भी यह ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।